हमीरपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के साथ मौजूद रहे। कुटलैहड़ दौरे के दौरान अनुराग ने करीब एक दर्जन नुक्कड़ सभाएं के साथ साथ क्षेत्र में रोड शो भी किए। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर उनके साथ मौजूद रहे। कुटलैहड़ दौरे के दौरान अनुराग ने एक दर्जन नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ क्षेत्र में रोड शो भी किया। अनुराग ठाकुर ने नए नए कांग्रेसी बने पूर्व बीजेपी सांसद सुरेश चंदेल द्वारा उनके विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड पूछे जाने पर सवालिया लहजे में हमला किया। उन्होंने पीजीआई ऊना, एम्स बिलासपुर, ट्रिपल आईटी ऊना, भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने के आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा माफी मांगे जाने का जिक्र करते हुए सुरेश चंदेल पर तंज कसा। सुरेश चंदेल जो है वो कांग्रेस में चले गए और जाते ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मांगना शुरू कर दिया, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है जब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं, सवाल उनके सामने खड़े हैं कि आखिरकार एम्स किसने लटकाया, पीजीआई, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और भानुपली बिलासपुर की रेलवे लाइन, क्या कांग्रेस इस पर कभी जवाब देगी? 5 वर्ष जिन्होंने हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का विकास रोका हो, आज वो इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि शर्म भी नहीं आती। आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलने में माहिर हैं, हर बार वो झूठ बोलते फिर माफ़ी मांगते हैं। ये आदत कांग्रेस की पुरानी है, जो नए नए कांग्रेसी हैं उनको भी पड़ गई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव न लड़ने पर भी तीखा हमला किया और भाई बहन द्वारा मोदी से डरकर भागने की बात कही। अनुराग ने राहुल गांधी द्वारा प्रियंका गांधी का टिकट काटे जाने की बात कहकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम का रोना रोकर अब भी से चुनाव मैदान छोड़ने के आरोप तक लगाए। मुझे लगता है कांग्रेस देश भर में ईवीएम का रोना रो रही है और हर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम का रोना रोती थी, पहले से रोना शुरू कर दिया। कांग्रेस की हार साफ नजर आती है, हताश प्रदेश में भी होंगे क्योंकि जहाँ प्रियंका जी कहाँ ख्वाब देख रही थी कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, भाई ने ही टिकट वहाँ की नहीं दी। क्या कांग्रेस डर गई, चुनाव से भाग गई? और ये हाल कांग्रेस का हर स्थान पर है, देश के कोने कोने में देखेंगे तो कांग्रेस भागती नजर आती है, यहाँ पर भी यही हाल है। बीजेपी उम्मीदवार ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बेबस कमजोर मुख्यमंत्री कहे जाने पर इसे गलत बताते हुए जयराम सरकार के कार्यों की प्रशंसा भी की। मुझे लगता है जयराम जी ने शानदार काम पिछले एक वर्ष में किया है, जन जन का भलाई करने का काम किया है और जो कर्जे में सरकार कांग्रेस दे गई थी, प्रदेश को छोड़ गई थी, उससे उभारने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें समय लगेगा लेकिन कर रहे हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।